हो गए चलो। टिकटॉक 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 ठीक ठाक। तो भाई लोग, ये जो लड़ाई चल रही है YouTube वर्सेस TikTok की, ये एक्चुअली लड़ाई YouTube वर्सेस TikTok की है ही नहीं, ये लड़ाई है कंटेंट वर्सेस कंटेंट की। लेकिन हमारे TikTok के कंटेंट क्रिएटर ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। तो आओ एक पहल करते हैं अपनी बात उन तक पहुंचाने की, उन्हीं की भाषा में, यानी TikTok की भाषा में। जब TikTokers को गया पेला, तो तुमसे नहीं गया झेला। बोलते हैं कैरी तू सामने से मिल, अबे तुमने क्या कैरी को समझा केला? थैंक यू। तो भाई साहब, आमिर सिद्दीकी को मैंने अपनी पिछली वीडियो में भाई बोल के संबोधित किया था। आमिर भाई। तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ये लोग प्यार, सपोर्ट, इज्जत, ये चीजें सिर्फ स्क्रीन पर दिखाते हैं। द रियल जॉब ऑफ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज टू प्रमोट पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी। हमको जो फॉलो करते हैं, आज वो हमको देखेंगे, हमसे सीखेंगे और आगे वो लाइफ में वही चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी पीछे ये लोग आप खुद ही सुन लो। उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चुता क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे। बट इसकी बहन की तो ये को बताऊंगा मैं कि के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने। इसकी नई माँ चुता, मेरा नाम आमिर नहीं। कितने अच्छे हैं आमिर भैया, कितने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, कितना अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये अपने फैंस को। लेकिन वो सब छोड़ो, सुनने में आया आमिर भैया रैपर बनने वाले हैं। तुम्हें नहीं पता? अरे खुद बोला उन्होंने, नहीं मानते सुन लो। कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है, 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। बट इसकी बहन की अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। एक सेकेंड, क्या आ रहा है? अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क आ रहा है, इसको क्या आ रहा है आमिर भैया? डिस्क आ रहा है इसको। 6 साल मॉस्को। तो आमिर भाई, आप ये डिस विस में घुसो और आपका वीडियो इंडियाज मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन जाए इनका भी रिकॉर्ड तोड़ के। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, वो भी आप ही की भाषा में, यानी TikTok की भाषा में। तुम लाने वाले हो डिस, इसका फर्क नहीं पड़ता हमको घंटा है। तब क्या करोगे अगर हमारी तरफ से आ गया एमीवे बंटा है? अगेन और अपने आमिर भाई और वो एक नंबर मानस ने क्या बोला था कि अदनान कौन है? कौन है? अदनान पागल सा एक बंदा है, अगर वो बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अदनान है ना, वो बहुत एड़ा है। लेकिन एमीवे कौन है पता है? मैं पागल सा रैपर हूँ, ये बात सबको पता है। नहीं भाई, इन लोगों को नहीं पता, इसीलिए तो इस लाइन में घुसना चाह रहे हैं। आमिर भाई रैपर बनना चाह रहे हैं और उनका डिस्क आ रहा है। और भाई लोग, अगर एमीवे ने इन्हें छोड़ भी दिया तो बेटा इससे कौन बचाएगा? सुना तुझे भी अपनी मरवानी, होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी। कैसे बचोगे, कैसे? और एक राज की बात बताऊं, ये दोनों यूट्यूबर हैं। तो भाई लोग, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप आमिर की कॉल रिकॉर्डिंग पहले से सुन चुके हैं, लेकिन आओ थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। रमजान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद, जो ट्रैक रेडी कर रहा हूं ना उसके लिए। तो बताऊंगा मैं कि तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने। तो भाई लोग, ये वीडियो में गाली नहीं देंगे बट कॉल पर दे सकते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और भाई लोग, जब कोई रैपर डिस बनाता है तो वो कुछ फैक्ट्स ऐसे रखता है कि सामने वाले की ऐसी बेइज्जती हो कि वो उस बेइज्जती को भूल से भी भूलने की भूल ना करे। क्या बोला मैं? भूल से भी भूलने की भूल ना करे। लेकिन नहीं भाई, हमारे आमिर भाई इस रिवाज को बदलने वाले हैं, वो उसमें कोई फैक्ट नहीं रखने वाले हैं, खुद ही सुन लो। वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना मैं उसको, तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है। क्या बोला? ना बंटा है। अब एमीवे भैया तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा इस बारे में। गाना बना दूंगा ड्यूरेशन 1 घंटा, देख बंटा अपने पे आता तो सुनता नहीं घंटा। ओके, मैं समझ गया। कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है,
तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा? आमिर भाई कैरी तो अभी 20 साल का है, लेकिन आपकी शादी के दिन करीब हैं। अगर आपके बच्चे से टीचर ने पूछा कि पापा क्या करते हैं, तो अब इस चीज को मैं किस श्रेणी में डालूं ये मुझे नहीं पता, तुम ही लोग कमेंट करके बताना कि ये क्या है। तो आमिर भाई आप ये जो डबल फेस गेम खेल रहे हो ना, इसीलिए आपकी कम्युनिटी भी आपका साथ नहीं दे रही है और कैरी के गुणगान कर रही है। इवन आप लोग खुद सोचो कि ये कॉल रिकॉर्डिंग लीक कहां से हो रहे हैं, जरूर इनका कोई अपना। क्योंकि सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक नहीं हुई, बैक टू बैक दो, पहले आमिर फिर अदनान। तो आओ यार अब अदनान की कॉल रिकॉर्डिंग को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ए तू रोहन करियप्पा मत बन। छोटा मोटा गेम नहीं करने का। कैरी की वीडियो और लक्ष्य की वीडियो दोनों उड़ गई है, अभी और काम चालू। वो सब तो सही है, बट ये हंसी कैसी थी? अबे ये जो तुमने कैरी की वीडियो हटवाने के लिए जो एड़े चाले किए हैं ना, सबको पता है, बट ये कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से लीक हो रही है ये पता है? नहीं पता? पता करो भाई, क्योंकि ये है असली बड़ा गेम। छोटा मोटा गेम नहीं, बड़ा गेम। तो भाई लोग, इन लोगों ने कैरी की वीडियो को LGBTQ+ से जोड़कर उसके डायलॉग्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वीडियो हटवा दिया। तो मेरी एक गुजारिश है LGBTQ कम्युनिटी से, सर आप एक बार इन्हें देखो। सन्नी लियोनी। हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। मैं कहना चाहता हूँ मेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा रस टपकता है, मैं खिला रहा हूँ उसको तीखी लड्डू। नहीं सन्नी नहीं, खा तीखी लड्डू, मेरे बच्चे दूध पीते बच्चे, मासूम बच्चे खा। हेलो गाइस, आई एम सन्नी, मैं कहना चाहता हूँ ये मैं लड्डू खा रहा हूँ, मीठे वाला नहीं है, खट्टे वाला, बेसन वाला। तो इन जैसों को रोकिए आप लोग, क्योंकि ये लोग एक गंदी इमेज क्रिएट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में। और अगर आप लोगों ने कैरी के वीडियो में बोले गए डायलॉग्स का सही मतलब निकाला होता, तो वो वीडियो आज इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड बना रही होती। तो लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा आमिर भाई को और अदनान भाई को, उन्हीं की भाषा में, यानी टिकटॉक की भाषा में, कि जब भगवान ने बनाया है रास्ता हगने का, कि जब भगवान ने बनाया है रास्ता हगने का, तो मुंह का इस्तेमाल क्यों करने का? म्यूजिक सताया है, सताएंगे, जलाया है, जलाएंगे। तो एट लास्ट गाइस, वी हैव टू सपोर्ट कैरी। क्या हुआ अगर एक वीडियो हट गई, हम उसकी लेटेस्ट वीडियो को इतना लाइक करेंगे कि वो नंबर वन हो जाए, और शायद जब तक मैं ये अपलोड करूं तब तक वो नंबर वन हो भी गई हो। दिखा दो असली फैन पावर। और साथ ही साथ कंटेंट पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर मारो यार, ये बात ऊपर तक जानी चाहिए। बाय। क्या कर रहे हो भैया? पानी की फिटिंग कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो टाइम बम लगा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कौन बम लगाता है बे?